नमस्कार सभी किसानों का किसानों के डिजिटल अड्डा किसान ऑफ इंडिया में स्वागत है। तो आज हम आहार जो प्रगति मैदान में लगा है वहाँ पे मौजूद है और मुझे एक यहाँ पे एक अलग सी जो फूड प्रोडक्ट है वो दिखा, जिसका एग्री स्टार्टअप है जिसका नाम है अर्बन मॉन्क प्राइवेट लिमिटेड और उनका कंपनी का नाम की बात करें तो वो है मिलेट अम्मा। तो चलिए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने इस एग्री स्टार्टअप की शुरुआत करी। हेलो मैम, आप अपने एक बार हमें अपने सारे दर्शकों को इंट्रो दे दीजिए कि आपने कैसे, मतलब मेरा सबसे पहला सवाल ही ये था देख के कि मिलेट अम्मा नाम क्यों रखा गया। प्रोडक्ट तो हम बाद में बात कर सकते हैं। जब मेरे घर में मैंने मिलेट स्टार्ट किया, बच्चों को पहले पसंद नहीं आता था, हस्बैंड को पसंद नहीं आता था, तो मैंने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स किए इसके ऊपर कि कैसे इसको स्वादिष्ट बनाएं ताकि मेरे बच्चे भी खा सकें, मेरी पूरी फैमिली खा सके। तब जब इतना एक्सपेरिमेंट कर करके मैंने डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स बनाए तब उनको इतना स्वाद लगा कि वो मेरे को मिलेट अम्मा बोलने लग गए, क्योंकि हम साउथ में हैं तो वहाँ मम्मी को अम्मा बोलते हैं, तो माय नेम केम एज मिलेट अम्मा देन। हम आगे स्टार्टअप की बात करते हैं कि मतलब आपको शुरू से ही ऐसा ही कोई एक एग्री स्टार्टअप करने का या एग्रीकल्चर में जैसे कोई फूड प्रोडक्ट का ही मन था या फिर पहले आप कुछ और जॉब वगैरह करते थे, मतलब बैकग्राउंड आपका क्या रहा था? बैकग्राउंड हमारा ये है कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से हैं, माय हस्बैंड इज़ इनटू स्टील, बट जब घर में बॉडी में कुछ प्रॉब्लम रहा कि कोई फिजिकली बीमारियां थी तो आई डिड नॉट अग्री कि हाँ मेडिसिन दे के उनको ठीक करें। हम सोचे कि नहीं, फूड से कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंट किए। फिर जब मिलेट के बारे में पता चला कि इतने न्यूट्रिशियस होते हैं मिलेट्स, देन उनका जब प्रोडक्ट खाए हम 3 महीना 4 महीना, तो हमारे घर में जितने भी सबके घर में फैमिली में जितने भी प्रॉब्लम्स थी वो सब सॉल्व हुई। तो जब हमें इतना सक्सेस मिला मिलेट खा के तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये सबको पास करें, ये सब रेसिपीज़, ये सब चीज़ें, ये फूड आइटम्स सबके पास जाना ज़रूरी है। देन वी स्टार्टेड दिस कंपनी एंड देन द जर्नी इज़ हियर, नाउ वी हैव ऑलमोस्ट 40+ प्रोडक्ट्स इन मिलेट्स। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जैसे मिलेट्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज इस तरीके से आया कि आपने अलग अलग प्रोडक्ट्स वगैरह एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन जो आपकी रेसिपीज़ है वो बाकी सबसे अलग हैं या उनमें भी सेम ही इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल्स हैं? नहीं, मैंने अपने खुद का एक्सपेरिमेंट किया बिकॉज कहीं कहीं था कि मैंने को राइस नहीं ऐड करना है, वीट ऐड नहीं करना है, क्योंकि इनको जो प्रॉब्लम थी उनमें मैं ये नहीं दे सकती थी। तो मैंने खुद का एक्सपेरिमेंट कर करके डेवलप किया, क्योंकि 5 साल पहले किसी को पता ही नहीं था मिलेट क्या होते। हमारे एंसेस्टर्स हैं वो सांबा चावल खाते थे बट अब सब भूल गए, ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो, सब भूल गए। तो मैंने उन रेसिपीज़ को वापस लाया, अपने घर में एक्सपेरिमेंट किया, तब उनका जब इतना अच्छा प्रोडक्ट बना तो देन आई सेड नो, मेरे को इसको लेके जाना है सब फैमिलीज़ में। और आप ये जो ये प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा है कि जो जैसे आपका ये स्टार्टअप बेंगलोर से बिलोंग करता है तो वहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स के जो रॉ मटेरियल है वो वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं जो फार्मर से जिनसे आप लेते हैं? हाँ जी, क्योंकि मिलेट सारे साउथ में बहुत अच्छे ग्रो होते हैं, वहाँ ही उसका हब है बेसिकली बड़ा, तो हमको बहुत ईजिली मिल गया था वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर बहुत फार्मर्स FPOs हैं जो ये सारा ग्रेन्स लाते हैं उन फार्मर्स के थ्रू, तो उनके थ्रू हमें ये ग्रेन्स मिला एंड देन मैंने प्रोडक्ट्स बनाए। मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगले साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 में एक यहाँ पे अवार्ड, मतलब इंटरनेशनल ईयर मनाया जाएगा पूरा 2023, जिसमें मिलेट्स को प्रमोशन करने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो मेरा अगला सवाल आपके साथ यही होगा कि मैंने यहाँ पे देखा कि आपको कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं, तो उसमें भी आपको कैसे, मतलब आपने गवर्नमेंट के साथ इसमें ट्रेनिंग लिया या फिर उनका इनक्यूबेट किया, क्या रहा आपका प्रोसेस? तो हैदराबाद में एक मिलेट इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, वहाँ से हमें अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट इमर्जिंग स्टार्टअप एंड उनके साथ हम मिलके टेक्नोलॉजी सीखते हैं कि किस तरह से नया नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकें। वो हमें साइंटिफिक बैकग्राउंड देते हैं सब चीज़ों का, तो हम नया प्रोडक्ट को डेवलप कर पाते हैं। तो IMR ने हमें एक अवार्ड दिया था, अभी हमें लास्ट महीना एक MSME का अवार्ड मिला है फॉर क्वालिटी एक्सीलेंस, हमारा क्वालिटी देख के उन्होंने हमें इस चीज़ का अवार्ड दिया है। और आपके प्रोडक्ट्स में मतलब जो कैटेगरीज़ हैं वो किन ऑडियंस के लिए ज़्यादा है, कि मतलब बच्चों के लिए है या फिर कोई ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं वो खा सकते हैं ये, मतलब क्योंकि बच्चों को होता है कि मैगी और इनसे वो कभी ऊपर नहीं जाना चाहते क्योंकि वो हैबिचुअल हो गए उस टेस्ट को। वही सब मेरी पेन है जो
सभी मदर्स का पेन है यहाँ पर. आई हैव 3 किड्स, मेरे भी 3 बच्चे हैं, 15, 14, 7 साल का बच्चा है. सब वो भी जंक फूड खाने का शौकीन रखते हैं. बट देन हमें भी लगता था कि नहीं, हम इसको कैसे ये फूड दें, उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है. तो मैंने पिज़्ज़ा बेस डेवलप किया, जिसमें हमने बिना मैदा का पिज़्ज़ा बेस बनाया है. इसमें नो मैदा है और खाली मिलेट्स है और वीट है, और इतना अच्छा बना है कि ये कि मेरे बच्चे बिना हिचक के पिज़्ज़ा खाते हैं घर में, और मुझे भी उनको पिज़्ज़ा देने में कोई हिचक नहीं होती अब. और एक और मेरा इसमें जर्नी में आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि अप्स एंड डाउन सबके जर्नी में रहते हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्रक्स, अगर हम बात करें, जो आपको अभी तक, जैसे आपका 3 या 4 साल से ज़्यादा आपके स्टार्टअप को हो गया, तो उसमें क्या एक क्रक्स बात हम कर सकते हैं कि जिससे आपको लगता है कि ये अगर मैं उस टाइम पे, मेरे को पता होता है इसकी, मेरे को नॉलेज होती, तो मैं वो उस चीज़ में और आगे जा सकता. इसमें एक ही प्रॉब्लम हमें ज़्यादा आती है कि लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या है. इन ग्रेन्स के बारे में किसी को नहीं पता, और कोई को पता नहीं कि इसे कैसे बनाया जाता है. तो वो एक बहुत तकलीफ़ आती है बताने में लोगों को कि हाँ भाई ये क्या चीज़ है, कैसे बनाना. तो इसके लिए हम कस्टमर से डायरेक्ट में टच में रहते हैं, थ्रू व्हाट्सएप रहते हैं, कॉल्स पे रहते हैं. हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं ताकि लोग इनको खुद देख सके वीडियोस में कि कैसे बनाना चाहिए, इसे कैसे डिशेस बनेंगी और क्या बेनिफिट होता है. तो थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू आवर वेबसाइट, हम इसकी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, और हम गवर्नमेंट के साथ मिलके अभी इसका अवेयरनेस प्रोग्राम भी आगे बढ़ा रहे हैं. आज ही हम जाके एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिले थे, उन्होंने बोला है कि ठीक है, हम ज़रूर इसके बारे में बहुत कुछ करेंगे. बिकॉज ये ग्रेन इतना अच्छा है कि फार्मर्स के लिए भी बहुत अच्छा है. बिकॉज जो ड्राई लैंड्स हो रहे हैं, फार्मर्स खाली वीट और राइस नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, तो वो मिलेट्स ग्रो करके अपना ज़िंदगी आगे बढ़ा सकते हैं. हमारे पूरे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज ग्रेन्स ग्रो करने के लिए ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है मिलेट्स के लिए. तो फुल इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, फार्मर्स के लिए अच्छा है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, और बिज़नेस के लिए भी बहुत अच्छा है. और मैं बिज़नेस में ही एक मेरा सवाल ये होगा कि अगर जैसे किसी और को एग्री स्टार्टअप शुरू करना है, चाहे वो आइदर मिलेट्स हो या किसी और पे भी हो, तो आपको क्या लगता है कि 5 ऐसे कौन से की पॉइंट्स हैं जिस पे उसको रिसर्च और या फिर आगे जो ऑपरेशनल की बात करें उस पे काम करना चाहिए? मेन तो है आपका प्रोडक्ट. जब आपका प्रोडक्ट सही होगा, उसमें इंग्रेडिएंट्स सही होंगे और प्रोडक्ट का टेस्ट अच्छा होगा, तो ज़रूर पीपल एक्सेप्ट करेंगे उसको. उसके बाद है कि भाई मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है. बहुत कंपटीशन है मार्केट में, और बहुत गलत आइटम भी मिलते हैं मार्केट में. तो सही आदमी आइटम को सही लोगों के पास पहुंचाना एक बड़ा टास्क है, तो वो करना हमें बहुत ज़रूरी है. और जब आपका प्रोडक्ट सही है, मार्केटिंग सही होगा, तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे. बस ये चीज़ है कि हमें मास को पहुँचाना है अभी इसको. तो मास को पहुँचाने के लिए हमें गवर्नमेंट हेल्प करेगी, जिससे हम ये चीज़ को सारी दुनिया में फैला सके. नहीं खाली इंडिया में नहीं, बट हमें इसे ग्लोबल लेके जाना है. जैसे किनुआ, ओट्स हमारे यहाँ आया है, हमें मिलेट्स को लेके पूरे वर्ल्ड में जाना है और एक रेवोल्यूशन चालू करना है और बोलना है लेट्स मिलेट. लेट्स मिलेट्स, एक इसी पे ही हम इस बात को अंत करना चाहेंगे. और सभी किसानों को मैं बता दूँ, जैसे इन्होंने भी जिक्र किया कि ड्राई लैंड, मतलब कि जो बंजर ज़मीन है, उसमें भी मिलेट्स को ग्रो करना आसान है. तो आप अगर इनको ग्रो करेंगे और साथ में जैसे मिलेट अम्मा की हम बात करें कि उन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट्स की आपको वैराइटीज़ बता रखी हैं, तो आप उनसे सीधे कनेक्ट भी कर सकते हैं या फिर अपना खुद का भी एक छोटा लेवल पे SHG या FPO बनाकर काम शुरू कर सकते हैं. मतलब एक जर्नी है, क्योंकि लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अभी मिलेट्स की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये कैसे ऑर्गेनिकली आपके लिए, हेल्थ के लिए कैसे बेनिफिशियल है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है. किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं, और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें.